आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। इन दिनों जयंत एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं। इस बीच आरएलडी प्रमुख को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद और आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। शाहिद सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट शेयर किए हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा है, अपना त्याग पत्र राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेज दिया है। इसके आगे उन्होंने लोकतंत्र का हवाला देते हुए कहा कि वो चुपचाप खामोशी के साथ देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकते। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी अध्यक्ष और बाकी साथियों का आभार भी जताया। इसके आगे शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि अब आरएलडी का हिस्सा बनने से वो असमंजस में पड़ गए हैं। शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि दिल और दिमाग के बीच काफ़ी जद्दोहद के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वो बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन से जुड़ने में असमर्थ महसूस करते हैं। उन्होंने जयंत चौधरी के लिए ये भी लिखा कि वो उनकी राजनीतिक मजबूरियों से वाकिफ हैं, ऐसे में वो कोई सलाह नहीं दे सकते, लेकिन खुद इस अभियान का हिस्सा नहीं बन सकते, ऐसे में आरएलडी से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उनके दिल में जयंत चौधरी और पार्टी के लिए सम्मान और स्नेह है। इसके साथ ही एक और पोस्ट शेयर करते हुए शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से त्याग पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह जी को भेज दिया है। उन्होंने कहा, आज जब भारत का संविधान और लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में है तो ऐसे में खामोश रहना पाप है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि वो भारी मन से आरएलडी से दूरी बनाने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए भारत की एकता, अखंडता, विकास और भाईचारा सर्वप्रिय है और इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी और धर्म है। आपको बता दें कि शाहिद सिद्दीकी के जयंत चौधरी के परिवार के साथ पारिवारिक रिश्ते हैं। उनके पिता अजीत सिंह के साथ भी शाहिद का करीबी रिश्ता था। शाहिद सिद्दीकी और जयंत चौधरी ने एक साथ मिलकर 2016 में सामाजिक एकता मंच की स्थापना की थी। आरएलडी में शामिल होने से पहले शाहिद समाजवादी पार्टी में महासचिव के पद पर थे।